हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कैसे हो सब और क्या चल रहा है लाइफ में? देखो, हम लोग रेसलाइसन पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल की बुक से, इस पर्पज से कि नॉलेज बढ़े हमारा, ठीक है, और उस पर मैं पूरा का पूरा कवर कर पाऊँ फ्यूचर पर्पज से, कि फ्यूचर में इसका बहुत सारा यूज है। तो हमने देखो, क्वेश्चन हमने देखा था इसमें, सिक्स तक हमने क्वेश्चन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन चार ही क्वेश्चन है और सबका प्रोसेस सेम ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोई एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 25 तक क्वेश्चंस हैं, सब बनाना है मुझे, मैं सब बताऊँगा। तो प्रोसेस देखते हैं किसी एक का, बाकी उसी प्रोसेस को यूज़ करके तुम तीन क्वेश्चन को बना लेना। ऑलराइट, चलो ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बता दूँ, बताओ? तुम तो बता नहीं सकते हो, मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन सही रहेगा। ऑलराइट, या 3 नंबर के बदले मैं बताता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें माइनस भी है। चलो देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में जो है ना, 7 क्वेश्चन नंबर 2, मैं जैसे समझा रहा हूँ बस वैसे ही वैसे ही तुमको बनाना है। यहाँ पे 1/√3 प्लस √2, फिर माइनस 2/√5 माइनस √3 माइनस 3/√2 माइनस √5। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। एक काम कर लेते हैं, ठीक है, आसान सा काम। हम क्या करते हैं कि ये जो तीन टर्म है ना, ये और ये, इन तीनों को मैं अलग अलग, इसको 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 अलग अलग रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा, तुम बोला कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है उसको आसान करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ मैं घिस देता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, आतंकवादी वाली कार्रवाई करने वाले हैं, मतलब इस सबको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास में जो टर्म है, 1+RS अग्रवाल के बुक पढ़ने के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बुक हर जगह लोग डील नहीं करते हैं, लेकिन किताब बहुत अच्छी है, और जो लोग मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड हैं उनको ये बुक पढ़ना ही चाहिए। तो मैं पढ़ाने के लिए भी डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। तो जब हम और तुम मिल जाएंगे तो फिर RS अग्रवाल क्या कोई भी बुक हमारे लिए आसान बन जाएगा। क्या करना है इसमें बताओ, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। कैसे, इसका फैक्टर क्या बनेगा भाई? मैंने बताया था कि ये a+b के फॉर्मेट में आ रहा है, तो a-b का फॉर्मेट चाहिए, और इतने से ही ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, √3 - √2, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ऊपर में तो वही रहने वाला है √3 - √2, और नीचे तुम, ठीक है, यहीं पे हम लिखेंगे नहीं, समझ लेते हैं ये चलो लिख ही देते हैं। तुम कहोगे कि सर आप शॉर्टकट मार रहे हो, तो a+b और a-b है, तो ये क्या होगा, a²-b², तो a के जगह पे √3 है और b के जगह पे √2 है, तो हमारे पास में हो जाएगा √3 - √2, और नीचे में 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो मैं समझ गया कि अच्छा नीचे में क्या आने वाला है, नीचे में 1 आने वाला है, 3 - 2। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टेप को आगे नहीं बढ़ा के, ये 3 - 2 1 ही है और डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा ही देते हैं हम लोग। सो फाइनली ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक अगर आप तुम एक बार बना लेते हो ना, तो फ्यूचर पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ ना, मैं बहुत सारे एग्जाम्स को मैं फेस कर चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि NCERT पढ़ने वाले लोग का कोई लेवल नहीं रहता है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन करने से क्या हो जाएगा, सपोज करो कि हम लोग अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो बच्चा 2 रोटी खा रहा है, तो हम लोग 4 रोटी खाते हैं, अगर हम भी 2 रोटी ही खाना शुरू करें तो हमारे बॉडी का क्या कंडीशन होगा। तो अपने आप को फिट रखने के लिए मेंटेन करना पड़ता है। सो ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, डोज बढ़ना चाहिए। ब्रेन का डोज यही है कि जितना हाई लेवल थिंकिंग हम सोचेंगे हमारा ब्रेन उतना डेवलप करेगा, जो नहीं सोचेगा वो फिर गधा बन के रह जाएगा। तुम डिसाइड करो गधा बनना है या फिर इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसका RF क्या होगा? मैंने कहा RF,
कुछ लोग बी एफ और जी एफ सुन रहे होंगे, मैंने आर एफ कहा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये ए माइनस बी है, इसका ए प्लस बी हो जाएगा। और इतने से ही क्या करना है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है। ऑल राइट, तो सीधा सीधा बात है भाई, यहाँ पे टू, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि टू कटने वाला है, क्योंकि फाइव में से थ्री घटेगा तो टू ही होता है। अब देखो, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट फाइव इसका स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है, रूट थ्री इसका स्क्वायर। टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और फाइव का स्क्वायर फाइव होता है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, तो फाइव माइनस थ्री कितना होगा, टू होगा, और टू से टू कैंसिल हो गया। सो फिर क्या बचा हमारे पास में, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ये बचा हुआ है। ठीक है, उन सारे वैल्यूज को हम लोग लाल कलम से घेर देते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखो, सही है, अच्छा लग रहा है, तुमको अच्छा लगता ही होगा, तुम तो चाहते हो कि मैं यही करूं। एक और देखो, ये भी ठीक है, और यहां पे क्या है भाई, थ्री बाई रूट टू माइनस रूट फाइव। तो यहां पे क्या करना होगा, फिर से वही काम करना है, फिर से तुम यही काम करोगे, ये करने आता ना तुमको, ये तुम काम कर लोगे। मेरे को देखो ये सब पता है, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये सीधा सीधा क्या बचेगा, थ्री तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा ऊपर में रूट टू प्लस रूट फाइव, ये दोनों माइनस में आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा माइनस में, तुम चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा, माइनस कर देगा, ठीक है, यही आएगा, तुम बना लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये इतना ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे भी घेर लेते हैं और इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। ये काम तुम कर लेना, ऐसे मत देना, तुम चेक कर लो, मे बी मैं गलत हो सकता हूं, तो बताना कमेंट में सर आपने गलत बता दिया। चलो अब यहां वैल्यू पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आया था, रूट थ्री माइनस रूट टू, फिर यहां पर माइनस है, ये माइनस है, मैंने लगा दिया। माइनस के बाद हम ब्रैकेट देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जब भी दो टर्म आएगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। टू बाई रूट फाइव माइनस रूट थ्री कितना आ रहा है, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, तो रूट फाइव प्लस, जिन लोगों ने यहाँ ब्रैकेट नहीं देना है ना, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, आंसर गलत होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये माइनस, और इसको लिखना है माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव, सॉल्व कर लेते हैं माइनस को हटा के। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, देखो तो कटेगा क्या, यस कटेगा, काटने में तो बहुत मजा आता है। ठीक है, लेकिन जब हमारी कटती है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, रूट टू से रूट टू कट गया, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, और ये माइनस में प्लस में, मतलब आ गया आंसर जीरो, मतलब हमने जो लिखा वो भी सही है। ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ, और देखो ये मैंने आपको सिखाया नहीं, क्योंकि आप कहोगे कि सर वीडियो को आप लंबा कर देते हो, जो बात काम करनी है वो भी सिखाते हो, लेकिन ये सब काम की बात है। मे बी ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कभी लास्ट में आता है, तुमको सिर्फ आंसर पूछ रहा है, सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, तो तुम उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो। मैं लगभग रसायनिक वाले क्वेश्चन को, मैं नहीं, मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, वो सारे इस सब को देख के तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कैसे कह दिया कि ये टू कटने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली ये तुम भी सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो कोई समय नहीं देना चाहता है। ठीक है, बस मेरे पास फालतू का समय है कि मैं आपको समय देते जा रहा हूँ, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कब तक इग्नोर करोगे, एक ना एक दिन तुमको उसको अवेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, टू मैंने बताया था, फिर वन थ्री और फोर बचा हुआ है, वो तुम बना लेना। ठीक है, साथ में और भी आगे क्वेश्चन है, वो सब भी देखना है, तो हमसे जुड़ जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का बटन होगा वीडियो के नीचे, यहाँ पे नहीं, और बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना, और हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाना। क्यों, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय एंड टेक केयर।